हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं FCI AGM 2021 को टारगेट करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर पर्टिकुलर टेक्निकल पोस्ट FCI AGM के लिए पार्ट वन लेके आई हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन रहेगी इस आज की सेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप लोग एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी FCI AGM के लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एंड जीके की तरफ से कोर्स परचेस आप कर सकते हो। कोर्स लॉन्च किया गया है जो आपको मिल जाएगा 999 रुपीज में, और जिसमें आपको मिलेगी कंप्लीट नोट बेस्ड ऑन सिलेबस, 1 e-book, general aptitude and relevant discipline, video lectures for PDFs and also all the materials is based on previous year question paper, जो exam point of view में सबसे relevant रहेगी, उसी तरीके की questions and book बनाई गई है। अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ, क्योंकि FCI AGM जो exam होने वाली है, time बहुत ही कम है, 2 or 3 months मैक्सिमम है आप लोगों के हाथ में, तो इसीलिए आपका प्रिपरेशन के और भी स्टिमुलेट करने के लिए और भी कॉम्पैक्ट करने के लिए अगर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो तो आपका टाइम भी बच जाएगा और उस टाइम को आपको रिवीजन और बाकी काम में आप दे सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत फास्ट है स्पेशली फॉर FCI AGM टेक्निकल के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप करो 9473826765। आप 999 की ट्रांजैक्शन आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो और उसी के साथ उसी दिन FCI AGM टेक्निकल के व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और आपका सिक्योर करना चाहते हो आपका सिलेक्शन फॉर FCI AGM पोस्ट। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुगर अल्कोहल इज, शुगर अल्कोहल इनमें से कौन सी ऑप्शंस होगी? आज जितने भी सारे मैं क्वेश्चंस लाई हूँ सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम में आई है, इसीलिए मैं इस तरीके की क्वेश्चन बनाई हूँ। जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है जनरली इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल की है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी उसी लेवल की बनाई हूँ। शुगर अल्कोहल इनमें से जितने भी ऑप्शंस है, ऑप्शंस में हो जाएगा आंसर मैनिटॉल। मैनिटॉल ये एक शुगर अल्कोहल है। मैनिटॉल क्या है आप हिंट पढ़ सकते हो। मैनिटॉल का फॉर्मूला C6H4O6 है और ये एक टाइप का शुगर अल्कोहल है जो यूज होता है एज ए स्वीटनर। इनमें से देखिए आप एंड में ओज है जो जनरली कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, मगर ये ओल है तो ये इसीलिए क्योंकि शुगर अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो है, द मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मतलब एक मोनोसैकेराइड यूनिट जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हैं, तो ये इनमें से कौन सी शुगर होगा? तो मोनोसैकेराइड मतलब ये पूछा गया है कि अबाउट डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड इसके बारे में। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन है, सिर्फ मल्टोज ये एक टाइप का डाइसैकेराइड आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देख सकते हो। मेल्टोज क्या है? मेल्टोज इसका मोनोसैकेराइड यूनिट है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और सुक्रोज में आप देख सकते हो, बाकी और जो ऑप्शंस में मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जो सुक्रोज है, सुक्रोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है ये है C1 ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा फ्रुक्टोज। मतलब इसमें था सिर्फ ग्लूकोज ही, और सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज भी एक यूनिट है, फ्रुक्टोज भी 1 यूनिट है। ग्लूकोज की C1 अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज की C2 में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाई है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स, मतलब ये पॉलीसैकेराइड ग्रुप से बिलोंग करती है, और इनमें से जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। और जो और एक ऑप्शन क्या था, सेलोबायोज। सेलोबायोज क्या है देख लो, सेलोबायोज भी
made up of two molecules of glucose and joined by beta 1,4 glycosidic bond. तो देख सकते हो यहाँ पर बीटा 1,4 है, सेलोवाइज में बीटा 1,4 है और सुक्रोज में है C1 अल्फा, C2 और बीटा फ्रुक्टोज. सिर्फ मेल्टोज ही ऐसा डाइसेक्राइड है जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू मीन नंबर आर प्रेजेंट है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन. म्यूटर रोटेशन केमिकल फेनोमेना है जो मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर्स. और म्यूटर रोटेशन क्या है एक्चुअली, इट इज चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन. चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. म्यूटर रोटेशन इज एक्चुअली डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन मतलब माने कि आप लोग ऑप्टिकल रोटेशन से जब डेविएट कर रहा है इन कार्बोहाइड्रेट. और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स इन द एक्वस सॉल्यूशन. ये ऑल अबाउट एक्वस सॉल्यूशंस जो अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म मतलब स्टेबल सॉलिड्स की तरह प्रेजेंट रहता है इन एक्वस सॉल्यूशन. और इनमें से जो इक्विलिब्रियम चेंजेस में अंडरगोज होते हैं और जो ऑप्टिकल रोटेशन को कुछ तरह टू सम एक्सटेंट और बाई कुछ सम डिग्रीज के लिए डेविएट करते हैं. और ये जो डेविएशन आप देख सकते हो म्यूटर रोटेशन, ये किस किस चीज़ में डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बोथ द एनोमर्स एंड सेकेंड वन द रेशियो इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन के रेशियो क्या है और एक्वस सॉल्यूशन में द रेशियो इन द एक्वस सॉल्यूशन मतलब अल्फा बीटा एनोमर एंड अल्फा बीटा एनोमर्स के जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके लिए. जैसे कि म्यूटा रोटेशन आप देख सकते हो, म्यूटा एक्चुअली चेंज है इसका मीनिंग और रोटेशन मतलब चेंज ऑफ रोटेशन. तो क्या है, जब 100% अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो स्पेसिफिक रोटेशन स्लोली चेंज होता है ओवर टाइम. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि रैपिड चेंज अब देख पाओगे, नहीं, स्लोली चेंज होता है ओवर टाइम. और कहाँ से +112 degree टू 52.5 degree होता है ओवर ए फ्यू आवर्स. तो वाटर में डिजर्व है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. और जो स्पेसिफिक रोटेशन है क्या 112 degree था, मगर उसमें क्या स्पेसिफिक रोटेशन करके कहाँ पहुँच गए, ये स्टेबल वैल्यू हो गया 52.5 degree. उसी तरह जो बीटा डी ग्लूकोज है, सिमिलरली 100% ऑफ प्योर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज अगर आप वाटर पर डिजॉल्व करते हो द स्पेसिफिक रोटेशन स्लोली चेंज होता है +18.7 to 52.7 degree डिजॉल्व में. ये अगर आप वाटर पर डिजॉल्व करते हो बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में ओवर द टाइम, नॉट की रैपिड चेंज. अब ये होता क्यों है, अब देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि अब ग्लूकोज में अल्फा डी और बीटा डी ये जो आइसोमर्स है ऑफ ये हो गया एक्चुअली ये जो आइसोमर्स टाइप के ये हो जाएगा एनोमर एनोमेरिक फॉर्म है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी. क्यों एनोमेरिक मतलब जो सी वन कार्बन है, अब देख सकते हो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अपर हैंड और हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है लोअर हैंड, तो ये हो गया अल्फा पोजिशन. और बीटा डी मतलब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज होता है ये हो जाता है ऊपर चले जाता है और हाइड्रोजन नीचे चला जाता है. तो ये क्या है, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन के लिए ये जो C1 ये फ्लेक्सिबल है फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल और ये चेंज कर पा रहे हैं अल्फा से बीटा में चेंज हो रहा है ये हो जाएगा, इसी के लिए प्रेजेंट पॉसिबल है. जो कार्बोहाइड्रेट में ये हेमी एसिटल और जो मतलब जो एल्डोज और जो कीटोज में हेमी केटल जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, इसी के लिए अल्फा डी जो परसेंटेज इन द एक्वस सॉल्यूशन होता है 36%, अल्फा डी इसका परसेंटेज होता है 36%. और जो बीटा डी होता है ये प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम में 64%. मतलब कुछ बीटा डी ग्लूकोपायरानोज चेंज अंडरगोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज में और कुछ बीटा आइसोमर्स जो वाटर पर डिजर्व होता है ऑप्टिकल आई और रोटेशन को चेंज करके तो प्रेजेंट होता है 64%.
नेक्स्ट जो है सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, मतलब सुक्रोज का यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तब सभी को पता भी होगा। और कुछ मिनट पहले मैं इसको डिस्कस भी किया हूँ कि सुक्रोज में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C1 और जो C2 है, और उसमें ग्लाइकोजेनिक लिंकेज है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसका मतलब हो गया है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। अब देख सकते हो यहाँ पर एक ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंक से बने हुए हैं, और सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट जो है द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, नेचर में मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मोस्ट एबंडेंट है सेलुलोज, सेलुलोज हो जाएगा मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। The most abundant carbohydrate is cellulose. Cellulose, it is a structural component of the several of the plant and also many forms of algae. मतलब algae में भी present होता है, plant cell wall में भी present होता है cellulose. So ये भी question आ सकता है कि what is the structural component of the cell wall of plants? तो आपका answer क्या करना है, cellulose. नेक्स्ट जो है स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और नन ऑफ दिस, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्यों, स्टार्च बने हुए रहता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से, और स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, हो गया पॉलीसेकेराइड मतलब स्टोरेज होता है, स्ट्रक्चरल होता है। जो सेलुलोज था स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जो एनिमल में होता है ग्लाइकोजन, और जो स्टार्च, स्टार्च होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में, जैसे कि सेलुलोज होता है प्लांट में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है प्लांट में स्टार्च। स्टार्च बींग फाउंड इन द फॉर्म एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच फॉर्म है, और एमाइलोज क्या है, लीनियर फॉर्म। नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स इन ग्लूकोज, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्या है नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में स्टेरियोआइसोमर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट जितने भी 4, 8, 16, ये इसका आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि ग्लूकोज में कायरल कार्बन क्या है, कितना है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है 4, और इसका एल्डिहाइड फॉर्म में, तो 4 इसका स्टेरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला क्या, 2 to the power 4, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है स्टेरियोआइसोमर, किसी का कोई कार्बोहाइड्रेट का स्टेरियोआइसोमर अगर आपको एस्टिमेट करना है, डिटरमाइन करना है, इसका फॉर्मूला 2 to the power n, मतलब n इक्वल्स टू यहाँ पर कायरल कार्बन। कायरल कार्बन नंबर, तो यहाँ पर ग्लूकोज में कायरल कार्बन नंबर इक्वल्स टू क्या है 4, तो 2 to the power 4 करके इसका आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट जो है आयोडीन गिव्स अ रेड कलर विद, आयोडीन आपको सबको पता है, आयोडीन टेस्ट, ये रेड कलर मतलब आयोडीन टेस्ट के बारे में पूछा गया है, और ये जो रेड कलर आती है व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विद द स्टार्च, तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव पर्पल और ब्लू कलर, और अगर नेगेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, स्टार्च एब्सेंट नहीं है, तो ब्राउन और येलो कलर, मतलब इनमें से जो चेंजेस हो रहा है कलर में, तो ये हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंट के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिमेरिक पेयर, तो एपिमेरिक पेयर इनमें से क्या क्या है, इनमें से एपिमेरिक पेयर हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पर एपिमर्स फॉर्म का, एपिमर्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच वेरी इन वन पोजीशन, जैसे एनोमेरिक पोजीशन में हम लोग अभी बोल रहे थे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंट के लिए, कभी अपर हैंड लोअर हैंड के लिए C1 कार्बन में, तो ये हो जाएगा एनोमेरिक फॉर्म, और जो एपिमर के लिए क्या हो रहा है, एपिमर के लिए होता है जब वन पोजीशन में, कोई भी प्लेस में वन पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के चेंज के लिए, मतलब एक ही, मतलब वन एंड ओनली पोजीशन में अगर कोई वैरायटी हो जाएगा, चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो दो कंपाउंड मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर एपिमर्स टू ईच अदर, जैसे कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ये जो है ग्लूकोज और ये कार्बन, ये फोर पोजीशन है, गैलेक्टोज का ये फोर पोजीशन है, आप ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंजेस देख सकते हो पोजीशन का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसी तरह ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हो गया C4 एपिमर्स। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ द पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस जितने भी है, ऑप्शंस डायरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, C6H12O6 हो जाएगा पॉलीसेकेराइड की जनरल फार्मूला, C6H12O6 होल ओवर एन।
वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी इज दैट ऑफ। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि एस्कॉर्बिक, क्योंकि आप सभी को, किसी को लग सकता है विटामिन डी, किसी को लग सकता है फॉलिक एसिड, किसी को लगता है विटामिन ए, और कोई कोई किसी को एस्कॉर्बिक एसिड है। मगर कॉमनली फाउंड विटामिन डेफिशिएंसी होता है वर्ल्ड वाइड होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन फोलेट, विटामिन बी9, इट इज़ द फॉलिक एसिड। केमिकल नेम इसका फॉलिक एसिड है। ये क्यों होता है? डीएनए प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है और ऑल्सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल आरबीसी के लिए, और प्रिवेंट द एनीमिया। इसीलिए सबसे मतलब आप स्कूल में अगर आप लोग पढ़े, मतलब जो आप लोग याद कर सकते हो, तो जब आप लोग पढ़ते थे कि टैबलेट दिया जाता है आयरन टैबलेट, ये वो एक्चुअली फॉलिक एसिड का टैबलेट, मतलब क्योंकि एनीमिया प्रिवेंशन के लिए होता है आयरन की तरह फॉलिक एसिड का भी। तो इसीलिए फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन फाउंड डेफिशिएंसी। कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड फॉर, आयोडाइज सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट जो जो आप मिला है रॉस फॉर्म, उसका आयोडाइज कर दो, मतलब एक टाइप का ये हो गया बायोफोर्टिफिकेशन जो नॉर्मल लेवल में होता है, मतलब डेली यूज में हम लोग खाते हैं, क्योंकि आयोडीन हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में एसेंशियलिटी है। मगर इसका ज़्यादा इंटेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब ये जाके हार्मफुल हो जाता है। तो हम इसका बहुत ही थोड़ा मात्रा में हम लोग को लेना पड़ता है, रिकमेंडेड है। वो डोज के लिए सॉल्ट के साथ ये बायोफोर्टिफाइड किया गया, क्योंकि सॉल्ट हम लोग यूजुअली कुकिंग के टाइम और खाने के टाइम थोड़ा सा ही लेते हैं, और उस प्रोपोर्शन पे हम लोग के बॉडी में आयोडीन का इंटेक हो जाता है, कंजम्पशन होता है। तो ये रिवेव क्यों होता है? प्रिवेंशन फॉर द गॉइटर डिजीज़। गॉइटर के लिए आयोडाइज सॉल्ट इज़ रिकमेंडेड, इज़ हाईली रिकमेंडेड होता है गॉइटर डिजीज़ के लिए। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर हेटरोपॉलीसैकेराइड। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? ओबेसिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ, ओबेसिटी इंक्रीजेस हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपको ये आइडिया करके आप आंसर कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ओबेसिटी। ये हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड ऑल्सो डायबिटीज मेलिटस, इस चारों ही, इस तीनों ही हेल्थ कंडीशन को, बैड हेल्थ कंडीशन के लिए कारण हो सकते हैं। इसका रिस्क प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टार्वेशन कीटन बॉडीज आर यूज्ड एज ए फ्यूल। हम लोग जो फूड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते इंटेक करते हैं, क्यों करते हैं? हम लोग के बॉडी में फ्यूल के लिए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो भी मेटाबॉलिक अदर्स फंक्शन से हम लोग जो डेली वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी हम लोगों को मिल जाता है। हाँ, तो इसीलिए जब स्टार्वेशन, मतलब जो हम लोग कोई भी खाना नहीं खा रहे हैं, उस टाइम ब्रेन के लिए, ब्रेन जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेन एक्सेप्ट करता है, ये हो जाएगा ग्लूकोज। तो कीटोन बॉडीज तब जाके यूज होता है फॉर ब्रेन। ये आंसर हो जाएगा ब्रेन। कीटोन बॉडीज आर यूज एज ए फ्यूल बाय ब्रेन ड्यूरिंग द स्टार्वेशन। ट्रायो शुगर इनमें से क्या है? इस टाइप का क्वेश्चंस के आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रायो शुगर क्या है? ट्रायो शुगर हो जाएगा ग्लिसरोज और जो ग्लिसरालडिहाइड सेम है, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन, ये भी सेम है। ये सब हो गया ट्रायो शुगर में। देख सकते हो आप, ट्रायो शुगर में ग्लिसरालडिहाइड ऑप्शन हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन हो जाएगा, पेंटो शुगर जो 5 कार्बोहाइड्रेट से होगा C5, तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा राइबोज, और जो हेक्सोज जो C6 में हो जाएगा सबसे, ये तो आप सभी को पता होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है पेंटो शुगर, इनमें से जो ऑप्शंस है, पेंटोज मतलब क्या है? C5, तो इनमें से ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइब्यूलोज। ट्रायोज में बाकी ऑप्शन में डायहाइड्रोक्सीपेसिन हो जाएगा ट्रायो C3, और एडिथ्रोज ये हो जाएगा C4 टेट्रोज, तो डायहाइड्रोक्सीपेसिन फॉस्फेट हो जाएगा C3, और ये हो जाएगा C4, और राइब्यूलोज हो जाएगा C5। नेक्स्ट है इन्वर्ट शुगर क्या है? इन्वर्ट शुगर लैक्टोज, सुक्रोज, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द सुक्रोज। देख लेते हैं क्यों, क्योंकि सुक्रोज एक्चुअली ये क्या है? डेक्सट्रो रोटेटरी होता है, मतलब क्लॉकवाइज, मगर अपन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स द डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेबोरेटरी फ्रुक्टोज, क्योंकि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, और जब वाटर में आप हाइड्रोलाइज होके ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक करता है ग्लूकोज और एक कंपोनेंट को रिलीज करता है, ये है फ्रुक्टोज। तो बाय नेचर ग्लूकोज इज डेक्सट्रोरोटेटरी,
बट फ्रुक्टोज होता है लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी फ्रुक्टोज -92.4 डिग्री, इसका प्रेजेंस ज़्यादा होता है फ्रुक्टोज इन द मिक्सचर देन द ग्लूकोज 92.4, 52.5। तो तब जाके जो पूरा मिक्सचर का जो नेचर हो जाता है लेबोरेटरी, हाँ तो मतलब नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन रोटेशन डेक्स्ट्रो टू रोटेटरी, डेक्स्ट्रो टू लेवो, डेक्स्ट्रो था सुक्रोज और मिक्सचर में दोनों यूनिट को रिलीज किया फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, बट फ्रुक्टोज का प्रेजेंट लेवल बेसिक ज़्यादा था, कंसनट्रेशन ज़्यादा था। तो और अब बोल सकते हो रोटेशन जो है लेबोरेटरी फ्रुक्टोज का ज़्यादा है, तो इसीलिए जो नेचर मिक्सचर का जो नेचर हो जाएगा लेबोरेटरी ये शो करेगा। तो डेक्स्ट्रो फॉर्म से लेबो फॉर्म में ये जो चेंजेस, इसीलिए प्रोडक्ट का हम लोग बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज। द शुगर फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, ये हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। द शुगर फाउंड इन डी एन ए डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो शुगर प्रेजेंट हो जाएगा शुगर मॉलिक्यूल हो जाता है डी ऑक्सी राइबोज। मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ, इंसेक्ट हीमोलिम्फ के में मेजर शुगर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेहलोज। ट्रेहलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो इंसेक्ट हीमोलिम्फ पे प्रेजेंट होता है। डाइसैकेराइड फॉर्म बाय 1-1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन देयर मोनोसैकेराइड यूनिट इज, तो डाइसैकेराइड ये एक डाइसैकेराइड का आपको पूछा गया है जिसमें 1-1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में प्रेजेंट होता है मोनोसैकेराइड यूनिट 1-1 ग्लाइकोसाइडिक, ये भी हो जाएगा ट्रीहैलोज। तो मतलब ट्रीहैलोज के मतलब क्या क्या पता चला, इंसेक्ट हीमोलिम्फ में भी प्रेजेंट होता है और ट्रीहैलोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है ये होता है 1-1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पॉजिटिव बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, तो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट कार्बोनेट में जो टेस्ट किया जाता है इनमें से सुक्रोज जो इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो क्यों, क्योंकि सुक्रोज क्या है डाइसैकेराइड फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना ही होता है, ये जॉइंट होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से सच अ वे दैट इज प्रिवेंट द ग्लूकोज आइसोमराइजेशन टू एल्डिहाइड, क्योंकि डाइसैकेराइड है और इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है मगर इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है या फ्रुक्टोज के हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म में आइसोमराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए सुक्रोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो रेनेडिक रिएजेंट में रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। ईच ब्रांच ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज एट एन इंटरवल ऑफ ग्लूकोज यूनिट, एमाइलोपेक्टिन क्या था स्टार्च की जो ब्रांच फॉर्म था, तो इनमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एट इंटरवल ऑफ 24-30 ग्लूकोज रेसिड्यूज इंटरवल। नेक्स्ट है डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट जो ढैप एंड ग्लिसराइल डी थ्री फॉस्फेट आर इंटर कन्वर्टेड बाई, तो क्या डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट मतलब DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट जो हम लोग बोलते हैं उसको ढैप, एंड जे ग्लिसराइल डीहाइड थ्री फॉस्फेट जो ग्लिसराइल GL3P ग्लिसराइल थ्री फॉस्फेट हो गया है, तो इसमें जो इंटर कन्वर्शन होता है फॉस्फोट्राइज आइसोमरेज। अब देख सकते हो ये वाला पिक्चर पे जो ये पोर्शन है फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट थे जो एंजाइम थे एल्डोलेज, एल्डोलेज से कन्वर्टेड हो रहा है ग्लिसराइल डी थ्री फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, जो ग्लिसराइल डी फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट खुद में इंटर कन्वर्टेबल है। फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट क्या है 6 कार्बन होता है ओके, और जो ग्लिसराइल डी फॉस्फेट होता है C3 होता है मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट C3, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ये स्टोशियोमेट्रिक जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है और जो ये दो मॉलिक्यूल है खुद में इंटर कन्वर्टेड है और इसमें जो एंजाइम ये जो मेंटेन कर रहा है इसको इक्विलिब्रियम पे नहीं, जो इंटर कन्वर्टेड हो रहा है ग्लिसराइल डी फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, जो एंजाइम ये है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, क्यों ये दो तीन ये आप देख सकते हो इसका भी C3 है ये भी C3 मॉलिक्यूल है मतलब ये दोनों क्या है आइसोमर है, तो आइसोमर को इंटर कन्वर्शन के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होता है आइसोमरेज। अब क्या है ट्रायोज क्योंकि ये भी C3 है और ये भी C3 है, तो और एक आप लोग टर्म यहाँ पर इंक्लूड होगी ट्रायोज,
और फॉस्फेट क्यों होता है? क्योंकि इनमें से भी ग्लिसरॉल A53 फॉस्फेट है और इसमें भी फॉस्फेट प्रेजेंट है, मतलब फॉस्फेट का कोई फॉस्फेटेज मतलब रिलीज नहीं हो रहा है, फॉस्फोकाइनेज मतलब कोई फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट था उसी में फॉस्फेट प्रेजेंट रहा है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें फॉस्फेट टर्म भी यूज होगा। तो सब मिला के इसके एंजाइम का नाम हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज या फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज। अंडर एनारोबिक कंडीशंस द ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो एनारोबिक कंडीशंस में ग्लूकोज आप सबको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में प्रेजेंट होता है और फुलफिल भी होता है। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस जेनरेट करते हैं ओनली टू एटीपी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक में क्या है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एसेंशियल, जो एनारोबिक है इस पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। तो एरोबिक होता है इनसाइड द यूकैरियोट सेल्स एंड एनारोबिक प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, यूकैरियोट में भी हो सकता है। एरोबिक में क्या है, प्रोसेस थ्रू द क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस के बाद, और एनारोबिक में प्रोसेस आइदर थ्रू इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, फर्दर प्रोसेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी जो भी है एंटायर प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो एनारोबिक होता है ये प्रोकैरियोट में हो रहा है, तो ये साइटोसॉल में होगा और यूकैरियोट में भी साइटोसॉल में हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में। रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग पाइरूवेट इनटू एसिटाइलकोए जो होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। और यहाँ पर क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द पाइरूवेट आइदर इनटू लैक्टेट और इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एसिटाइलडिहाइड इन द इथेनॉल फर्मेंटेशन। एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। कोफैक्टर्स में क्या क्या है, 2 GTPs प्रोडक्शन होता है, 6 NADH, 2 FADH2 एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एनारोबिक में क्या है, प्रोड्यूसेस ओनली 4 NADH मॉलिक्यूल्स व्हिच रीजेनरेट थ्रू द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कोफैक्टर्स में क्या है, एटीपी प्रोडक्शन होता है मगर एनारोबिक में कोई कोफैक्टर का जरूरत नहीं होता है। लीड्स टू सिग्निफिकेंटली एफिशिएंट एटीपी प्रोडक्शन पाथवे व्हिच प्रोड्यूसेस द 32 एटीपी मोल पर मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एनारोबिक में टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी में, क्योंकि अभी देखो सब कुछ सब पढ़ नहीं पाओगे, सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ये छोटा छोटा एक टॉपिक है। तो आप यहाँ से आप एक आइडिया कर सकते हो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट जो है द कैरियर ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल की कैरियर क्या है, इसका कैरियर होता है ऑक्सैलोक ऑक्सिल एसिटेट। मिस्टर अश्विनी कुमार पिछले साल जो इप्से AGM टेक्निकल पोस्ट में खुद के जो डेडिकेशन से उनके खुद का सिलेक्शन हुई थी, और वो ये एग्रीकल्चर जी के चैनल से तब से भी अभी तक जुड़े हैं, और उनके भी उनका जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी था, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, एग्रीकल्चर जी के प्लेटफॉर्म में ये अवेलेबल है, आप उसका वीडियो उनका वीडियो भी देख सकते हो। बहुत बहुत बधाई, वो अभी हैप्पीली पोस्टेड है। और अश्विनी कुमार जी हम लोगों से कोर्स परचेस किए थे, गाइडेंस प्रॉपरली लिए थे, तो इसीलिए अगर आप भी आपका खुद का सिलेक्शन को और भी सिक्योर करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर जीके की तरफ से जो कोर्स आए हैं आप उसका आप इनरोल कर सकते हो। ये सिर्फ हम लोग, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं ये इस कारण के लिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और एक ही अम्ब्रेला के अंडर आप बहुत सारा कोर्सेस जो सिलेबस इतने वास्ट है, जो प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएगी कहाँ से क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली आपको प्रिपरेशन करने की गाइडेंस मिल जाएगी। खैर अभी के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अब देख सकती हूँ, क्योंकि ये सब के जो मैं PDF जो यहाँ पर मैं लेक्चर दे रही हूँ इसका भी PDF आपको मिल जाएगी। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स इफ द डाइट हैज एक्सेस ऑफ, तो ग्लूकोज में ग्लूकोज जो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है कब, जब डाइट हैज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सब जाके ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं जो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक मतलब रिकमेंडेड नहीं है, डाइटिशियंस रिकमेंड नहीं करते हैं।
रिएक्शन सक्सिनल कुए टू सक्सिनेट रिक्वायर्स, तो ये क्या है सक्सिनल कुए टू सक्सिनेट, ये जो स्टेप है इसमें क्या क्या रिक्वायर होता है, ये रिक्वायर होता है एडीपी। इन यूकैरियोट द साइट्रिक सक्सिनल कुए, आपको पता होगा ये साइट्रिक एसिड साइकिल का एक स्टेप था। साइट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया कहाँ टेक प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, प्रोकैरियोट में होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट सक्सिनल कुए के जो कुए है, कुए इज रिप्लेस्ड बाय द फॉस्फेट ग्रुप एंड व्हिच इज देन रेफर्ड टू एडीपी टू मेक द एटीपी। इन सम सेल्स ये जो एडीपी की जगह जीटीपी यूज होता है इंस्टेड ऑफ एडीपी एंड फॉर्म द जीटीपी एज ए प्रोडक्ट। द फाइनल कार्बन मिलेगा सक्सिनेट, ये क्या होता है 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन। द क्रेब साइकिल में कन्वर्शन के लिए सक्सिनल कुए सक्सिनेट रिक्वायर्स क्या क्या है, एसिटाइल कुए, जीटीपी एंड पाइरोफॉस्फेट। इन ईएम पाथवे टू फॉस्फोग्लिसराइड इट इज कन्वर्टेड टू, तो एमडेन मेयरहॉफ पाथवे आप सभी को पता होगा इस पाथ के वे के बारे में, क्योंकि डिटेल्स में तो एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। आप मैं एमसीक्यू की तरह जो जो पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ये टॉप 50 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो ईएम पाथवे में जो 2-फॉस्फोग्लिसराइड होता है ये कन्वर्टेड होता है फॉस्फेनॉल पाइरूवेट। चलिए देख लेते हैं ये पाथवे, अब यहाँ पर यहाँ ये जो पोर्शन ये हो जाएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। देख सकते हो टोटल ओवरऑल पाथवे से कैसे करके करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एमडेन मेयरहॉफ पायरनेस पाथवेज अलाउज द मेटाबॉलिक यूज ऑफ ग्लूकोज टू जनरेट द एटीपी एंड एनएडीएच एंड सेवरल बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर्स सच एज 3-फॉस्फोग्लिसराइड और पाइरूवेट। तो 2-फॉस्फोनॉलग्लिसराइड टू फॉस्फेनॉल पाइरूवेट, जहाँ पे क्या है H2O रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए जो 2-फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्टेड होता है पाथवे में कहा किस में, फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड फॉस्फेनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है द कन्वर्शन ऑफ एलानिन टू ग्लूकोज, तो ये कन्वर्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन होता है उस कन्वर्शन पाथवे को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इंटीग्रेट्स ग्लूकोज एंड फैटी एसिड मेटाबोलिज्म, इनमें से व्हिच ऑफ द मेटाबोलाइट है जो ग्लूकोज फैटी एसिड मेटाबोलिज्म को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करता है, तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा एसिटाइल कोए। टू इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ HMP शंट आर HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स आर NADPH एंड पेंटोशुगर। NADPH सिर्फ HMP शंट एक पाथवे है ये जहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन होता है, और जो पेंटोशुगर इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ HMP शंट पाथवे से पेंटो शुगर के प्रोडक्शन हो रहा है, जो बाद में हम लोगों का मेटाबॉलिक फंक्शंस में इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पेंटो शुगर्स में हम लोग का DNA फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट होता है, या कोई और दूसरे जो जितने इम्पोर्टेंट काम में भी इसके इम्पोर्टेंट होता है। The 4-membered aldose sugar phosphate form in HMP shunt pathway is, तो और एक जो 4-membered था इसमें क्या हो जाएगा erythrose phosphate होता है HMP। अब यहाँ पर देखो erythrose भी 4 कार्बन है, erythrulose भी 4 कार्बन है, मगर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या aldose sugar अगर पूछा गया है तो इसके लिए आपको मार्क करना पड़ेगा erythrose phosphate। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पाइरूवेट रिक्वायर्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पाइरूवेट रिक्वायर्स को एसिटाइल कोए CoASH, तो इस तरीके के भी नाम से इसके जाना जाता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट रिक्वायर्स को एसिटाइल। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड अल्फा केटोग्लुटामेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिक्वायर द फॉलोइंग फॉर दर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है और अल्फा कीटोग्लुटामेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा CoASH,
थायमिन पाइरोफॉस्फेट, एनएडी प्लस एंड एफएडी एंड लिपोएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ का जरूरत होता है इन द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा केटोग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंड पीडीएच पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट बाय, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्लाइकोजन है और ग्लूकोज वन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो एंजाइम प्रेजेंट है ये हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फॉस्फोराइलेज इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोराइलेज। टिश्यूज फ्रॉम लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, टिश्यूज फॉर्म लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन। और ये फेनोमेना क्या है? ये हो जाएगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखा कैसे करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ, पहले पूछा एनारोबिक में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन हो रहा है, नेक्स्ट में क्या पूछा है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इसको फेनोमेना क्या है, मतलब अगर आपको एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्या बाय प्रोडक्ट है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जेनरेट हो रहा है, ये सब अगर आपको पता होगा मुझे सुपरफिशियली, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगा, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आंसर कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स लैक्टोज, इनमें से क्या क्या कंपोनेंट है जो लैक्टोज फॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूडीपी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज सिंथेसिस टेक प्लेस इन द गोल्गी अपैरेटस एंड बाय द लैक्टोज सिंथेस एंजाइम, और यहाँ पर जो टू प्रीकर्सर्स होता है ग्लूकोज एंड यूडीपी गैलेक्टोज जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है। टोटल ग्लूकोज इन द बॉडी इज 20-30 ग्राम। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? पॉलीसेकेराइड ऑप्शन फर्स्ट है कंटेन मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स विच मे और मे नॉट बी ऑफ सेम काइंड, फंक्शन मेनली ए स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन कनेक्टिव टिश्यूज एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी ऑप्शन पढ़ के आपको क्या आइडिया हो रहा है? सभी ऑप्शन आपके पढ़ के यही आइडिया हो रहा है कि ऑल ऑफ दिस अबव ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोनोसेकेराइड ये सेम होता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है, जो अभी कुछ ही मिनट में इसी सेशन में बोल रही थी मैं, स्ट्रक्चरल और स्टोरेज फंक्शन प्ले करते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, तो पॉलीसेकेराइड्स में ये तीनों ही ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ग्लूकोज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये होता है ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉडिफायर ऑफ द एंजाइम पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के लिए एलोस्टेरिक मॉडिफायर क्या है? इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बायोटिन हो जाएगा एलोस्टेरिक मॉडिफायर मतलब जो मॉडिफाई कर रहा है एंजाइम को, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। हिंट क्या है? पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज यूजेस ए कोवेलेंटली अटैच बायोटिन कोफैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू कैटालाइज द एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट टू ऑक्सैलिक एसिडेट, मतलब पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज पाइरूवेट टू ऑक्सैलिक एसिडेट कन्वर्शन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और जहां पे बायोटिन कोफैक्टर एक्ट एज एन एलोस्टेरिक मॉडिफायर। पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ये क्या है? मल्टी सब यूनिट एंजाइम है दैट हैज एसिटाइल कोए एज ए पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर। यहाँ पे दो ऑप्शन था ना, एसिटाइल कोए भी था बायोटिन भी था, तो बायोटिन हो गया मॉडिफायर और एसिटाइल कोए हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेटर। एलोस्टेरिक रेगुलेटर क्या है? एसिटाइल कोए जब बाइंड करते और डोमेन में पीसी पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के एक्टिव कोई भी एक्टिव डोमेन में तो क्या है अटैच होकर कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द टेट्रामरिक एंजाइम अलाउ करते हैं, और इसी तरह के अलाउ करते हैं क्योंकि एंजाइम जो रिएक्शन प्रोसेस को फेवर करे, बायोटिन भी ऐसा ही करते हैं कि रिएक्शन एंजाइम को फेवर करे, इसीलिए एक हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेटर जो रेगुलेट जो गवर्न करते हैं, और एक हो गया मॉडिफाइड जो मॉडिफाई कर रहा है स्ट्रक्चर को और फैसिलिटेट करता है एंजाइम कन्वर्शन को पाइरूवेट टू मतलब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को पाइरूवेट टू ऑक्सैलिक एसिडेट फॉर्मेशन। रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज एंड सॉरी इसका आंसर हो जाएगा
पाइरूवेट इसका आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटर होता है, ये नेगेटिव, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पाइरूवेट। रेगुलेटर ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाइरूवेट। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, जो पाइरूविक एसिड जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट से फर्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस आप बोल सकते हो। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो रहा है, जो लीवर एंड मसल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन एनिमल सेल्स के लिए। प्रेजेंट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर टू मेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो ये इसीलिए ग्लाइकोजन के रेगुलेटर होता है पाइरूविक एसिड में पाइरूवेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? कॉर्टिसोल, एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन, ग्लूकागन, वैसोप्रेसिन। तो इनमें से जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये हो जाएगा वैसोप्रेसिन। इन प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स पाइरूवेट टू ऑक्सलोक एसिटेट। तो आप यहाँ पर पिक्चर पर देख सकते हो, पाइरूवेट में पूछा गया है, पाइरूवेट से हो रहा है और जो कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट पाइरूवेट टू ऑक्सलोक एसिटेट जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, तो इनमें से क्या क्या कोफैक्टर्स हैं? तो ये हो जाएगा ATP, CO2 एंड प्रोटीन, मतलब जो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट जो है, द ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज, ये तीनों से रेगुलेटेड होता है। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देख सकते हो, टू टाइप का कंट्रोल होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, एक होता है सबस्ट्रेट लिमिटेड और एक होता है एंजाइम लिमिटेड। सबस्ट्रेट लिमिटेड मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द सेल आर नियर इक्विलिब्रियम, देन इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट एसेंशियल अमाउंट में कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है जो इक्विलिब्रियम को बरकरार रखे, मगर सबस्ट्रेट जो अवेलेबिलिटी ये हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। और एक होता है एंजाइम लिमिटेड, जब कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट आर फार अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, देन इट इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, को एंजाइम एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो एंजाइम को रेगुलेट कर रहा है, ये हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरूवेट काइनेज। कैसे कर रहा है? एंजाइम्स में हेक्सोकाइनेज रिएक्शन 1 को करते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रिएक्शन 3 को, और जो पाइरूवेट काइनेज जो लास्ट वाला स्टेप रिएक्शन 10 को करते हैं। और ये तीनों 1, 3, 10 रिएक्शन होता है नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दिस स्टेप्स आर मेटाबॉलिकली इरिवर्सिबल। सो दिस एंजाइम्स आर रेगुलेटेड। ऑल द अदर स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, नियर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, तो रेगुलेट करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये तीन स्टेप है जो रेगुलेटेड इरेगुलर इरिवर्सिबल है, इसलिए रेगुलेशन इसका ज़रूरत होता है। व्हेन एटीपी इज नीडेड ग्लाइकोलाइसिस इज एक्टिवेटेड। जब ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से, है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में जब एटीपी का ज़रूरत होता है तो ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट होता है, तब होकर क्या, इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज रिलीव्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड द पाइरूवेट काइनेज, ये एक हो गया, और जो पाइरूवेट काइनेज इट इज एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो तब जाके ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, जो प्रोसेस है वो नॉर्मली चलता रहेगा। नेक्स्ट है जो जो प्रिपरेटरी फेज पे जो फाइनल जो पे ऑफ फेज होता है, प्रोसीड करते हैं। व्हेन एटीपी लेवल्स आर सफिशिएंट, ग्लाइकोलाइसिस का जरूरत नहीं होता है, और तब जाके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज इनहिबिटेड बाय द एटीपी एंड साइट्रेट एंड हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये अगर हेक्सोकाइनेज अगर इनहिबिटेड हो जाता है तो क्या रिएक्शन 1 नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा, और जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 तो रिएक्शन 3 नहीं होगा, तो इनहिबिटेड होता है एटीपी एंड साइट्रेट से। तो इसी तरीके से तीनों एंजाइम रेगुलेशन से ग्लाइकोलाइसिस का हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, whether we need ATP or not. Which of the following statement regarding the TCA cycle is true? It is anaerobic process, occurs in cytosol, no intermediates for gluconeogenesis and it is amphibolic in nature.
तो इनमें से ऑप्शंस हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एम्फीबोलिक इन नेचर। एम्फीबोलिक नेचर क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो साइट्रिक एसिड साइकिल प्रेजेंट है, ये होता है एम्फीबोलिक इन नेचर, मतलब जो कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस दोनों प्रोसेस को ही सर्व करता हो साइट्रिक एसिड साइकिल। तो बिसाइड इट्स रोल इन द ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, द साइकिल प्रोवाइड्स प्रीकर्सर फॉर मेनी बायोसिंथेटिक पाथवेज थ्रू द रिएक्शन दैट सम सेम पर्पस इन एन इन एनरोब एंसेस्टर। मतलब कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिज्म ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट, साइड वाइज साइमल्टेनियसली बायोसिंथेटिक पाथवेज भी हो रहा है, मतलब जो एनाबोलिज्म। टीसी साइकिल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन प्रोसेसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एनाबोलिक रिएक्शंस कनेक्टेड विद टीसी साइकिल क्या क्या है? फर्स्ट ऑक्सलिक एसिटेट एंड अल्फा कीटोग्लूटामेट रेस्पेक्टिवली सर्व एज प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट व्हिच इन टर्न रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड ऑल्सो प्यूरिन एंड पिरामिडिन सिंथेसिस। ये एक हो गया टीसी साइकिल से। नेक्स्ट जो है साक्सिनल कोए, इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पोरफायरिन एंड हीम, ये बायोसिंथेटिक पाथवेज में चले गए। और नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो साइट्रेट, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल वेयर इट इज क्लिप टू प्रोवाइड द एसिटाइल कोए फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड स्टेरॉल। तो इसी तरीके की देख सकते हो साइट्रिक एसिड साइकिल की हर एक स्टेप कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिक प्रोसेस दोनों ही प्रोसेस को सर्व कर रहे हैं, इसीलिए एम्फीबोलिक नेचर होता है। ग्लूकोज एंटर्स द सेल बाय इंसुलिन डिपेंडेंट एंजाइम मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है ग्लूकोज एंटर। जहाँ पे ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहा है तब जाके इंसुलिन बाहर से हम लोग को क्या है एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग देते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन इंसुलिन। और यहाँ पर क्या है ब्रेन और एरिथ्रोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट में होता है ऑपरेटिव। ग्लूट वन एक ट्रांसपोर्टर है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट ऐसे आपको याद रहे या आप रिलेट कर पाओ इसलिए मैं दे रही हूँ। इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आएगा भी एक और दो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर सिस्टम। मतलब मैं ये ट्रांसपोर्टर के बारे में बोल रही हूँ, बाकी सभी एग्जाम पॉइंट अभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मैं क्वालिटी कंटेंट है, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ट्रांसपोर्टर ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, सुपरफिशियली जनरल आपको आइडिया रहना चाहिए। तो एंट्री ग्लूकोज हो गया है इन टू सेल्स ग्लूट वन ग्लूट फोर एंड टाइप टू डायबिटीज जो मेलिटस होता है ड्यू टू द रिडक्शन इन द क्वान्टिटी ऑफ ग्लूट फोर इन इंसुलिन डेफिशियंसी एंड ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंसी इज ऑब्जर्व इन टिश्यूज। आवर बॉडी कैन गेट द पेंटोज फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यूरोमिक एसिड पाथवे, टी सी एस साइकिल एंड एच एम पी शंट पाथवे। तो पेंटोज होता है एच एम पी शंट पाथवे से हम लोगों के बॉडी कैन गेट, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन था एच एम पी शंट पाथवे की प्रोडक्ट क्या कहते हैं, तो ये डीपीएच था और पेंटोज शुगर था। अब ये भी हो सकता है कि पेंटोज हम लोग कैसे हम लोगों को मिल रहा है, तो एच एम पी शंट, तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो अब अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोगों को ग्रुप से, ग्रुप स्टडी करके पढ़ो और जो टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए और भी कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस जल्दी लाने वाली हूँ। और बाकी सब वीडियोस भी रिलेटेड टू एफसीआई एजीएम देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।